बनाई जाती है और बेची जाती है, इन सारी दवाओं को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने प्रतिबंधित कर रखा है। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जिन दवाओं को जहर घोषित कर दिया है, ये वो सारी दवाएं भारत में बनाई जा रही है और बेची जा रही है। जिन दवाओं को अमेरिका में 50 साल पहले बंद कर दिया गया, जिन दवाओं को यूरोप के देशों में 50 साल पहले बंद कर दिया गया क्योंकि उनके शरीर पर नुकसान बहुत ज्यादा है, वो सारी दवाएं और हम सब उनका मैं उदाहरण दूं आपको। अपने भारत में सर्दी जुकाम ठीक करने के नाम पर एक दवा बेचती है, उसका नाम है विक्स। इस दवा को बेचने वाली एक अमेरिकन कंपनी है, उसका नाम है प्रॉक्टर एंड गैंबल। ये अमेरिका की कंपनी भारत में आकर तो विक्स बेचती है, लेकिन आपको मालूम है अमेरिका में विक्स नहीं बेचती। अमेरिका की कंपनी अपने देश अमेरिका में ही विकेट नहीं बेची, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका ने उस विक पर पाबंदी लगा रखी और अमेरिका में कानून है कि कोई डॉक्टर विक का प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिख सकता। अगर गलती से डॉक्टर ने किसी मरीज को विक लिख दिया तो डॉक्टर की डिग्री छिन जाती है और उसको जेल में डाल देते। कारण क्या है? विक के भयंकर नुकसान है शरीर पर और उन नुकसान के कारण अमेरिका ने बंद किया और यूरोप के देशों ने बंद किया विक को, लेकिन वो विक भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली दवा है। अगर आप जोधा के किसी भी मेडिकल शॉप में सवेरे से शाम तक खड़े हो जाए और जब यही देखें कि कौन सी दवा सबसे ज्यादा बिक रही है, तो आपको पता चलेगा विक ही है जो सबसे ज्यादा बिक रही है। हम भारतवासियों को ये मालूम ही नहीं है, ये दवा दुनिया के 100 देशों में बंद है और ना सिर्फ बंद है बल्कि इस दवा का कई देशों में तो टेलीविजन पे विज्ञापन भी नहीं किया जा सकता, विज्ञापन के लिए भी ये दवा प्रतिबंधित है। लेकिन भारत में सबसे ज्यादा विज्ञापन टेलीविजन पर इसी दवा का। और एक उदाहरण दूं आपको, एक दवा हमारे देश में हर गांव में मिलती है, बिकती है, आयोडेक्स। आयोडेक्स मनी काम के चलिए उसका एक विज्ञापन है। हम लोगों ने आयोडेक्स के विज्ञापन को पता चला दुनिया के 120 देशों में ये ब्रांड है आयोडेक्स। 120 देशों में बना आयोडेक्स और भारत में धन ले सबसे ज्यादा देखने वाली दवाओं में आयोडेक्स। ऐसे ही एक दवा है जो बुखार खत्म करने के लिए आपको खिलाई जाती है, बोबेरॉन। बोबेरॉन दवा दुनिया के 80 देशों में बन रही है, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा खिलाई जाने वाली दवा है बुखार खत्म करने के लिए। इस दवा को 80 देशों ने क्यों बंद किया, वो जानकारी से तो पता चला ये गुर्दों को सबसे ज्यादा खराब कर रही है। और इसके बारे में अक्सर अनुभव है कि बोबेरॉन का 3 इंजेक्शन अगर किसी को भी लग गया 99% उसकी गुर्दे खराब हो जाए। इसलिए दुनिया भर के देशों ने इसे बंद कर रखा है, हमारे लिए और एक दवा का नाम लेता हूँ किलोफेनॉल। ये दवा अक्सर भारत में खिलाई जाती है डायरिया और डिफेंसिव को रोकने के लिए, लेकिन ये दवा दुनिया के 80 से ज्यादा देशों में बंद है। क्यों? क्योंकि आंखों में घाव होते हैं। ऐसी एक दवा है न्यूट्रलाइट दवा को दुनिया भर में बंद किया है, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, भारत में धड़ल्ले से बिक रही है। ऐसी भारत में हजारों और हमारे देश की सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं देती कि जो दवाएं हमारे पड़ोसी बांग्लादेश में भी बंद हो चुकी है। कई दवाएं तो ऐसी है जो बांग्लादेश सरकार ने भी बंद कर रखी है, वो भारत में बिक रहे और इन सब दवाओं के शरीर पर भयंकर दुष्परिणाम है और वो दुष्परिणाम के कारण हम और ज्यादा बीमारियों में फंसते जा रहे हैं। तो हम लोगों ने एक रास्ता अपनाया है कि हम भारत के लोगों को योग प्राणायाम सिखाएं, आयुर्वेद के बारे में बताएं, ताकि लोग जहरीली
और बेकार की दवाओं से बच सके और इन जहरीली और बेकार की दवाओं को खाने से अपने शरीर में जो दुष्परिणाम हो रहे हैं उनको हम कम कर सकते। एक बड़े दुख की बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो फालतू की बेकार दवाएं जहरीली दवाएं खाने के चक्कर में हर साल हम भारतवासियों के 60 लाख करोड़ रुपए बर्बाद हो जाते। हर साल हम भारतवासी फालतू दवाएं खाने के चक्कर में गलत दवाएं खाने के चक्कर में 60 लाख करोड़ रुपए अपना बर्बाद हो जाते। कुछ पैसे हैं जो हम डॉक्टर को फीस देने में खर्च करते हैं उससे कई गुने ज्यादा पैसे दवाएं खरीदने में खर्च करते हैं और उससे कई गुने ज्यादा पैसे फिर गलत दवाएं खाकर मेरे शरीर का कोई खास अंग बेकार हो जाता है तो उसको ऑपरेशन करा के निकलवाने में खर्च करते हैं और इस चक्कर में देश के 7 लाख करोड़ रुपए बर्बाद। तो मैं आपसे ये निवेदन करने आया हूँ कि आप ये बेकार की फालतू की एलोपैथी दवाओं को खाकर अपने पैसे भी खराब करें और शरीर को भी नुकसान पहुंचाए। इससे अच्छा है कि इन सब दवाओं को आप ना खाएं। आपको तो फिर क्या भारत सरकार को ये नहीं लगता कि ये दवाएं बंद होनी चाहिए। भारत सरकार के कई मंत्रियों ने कई अधिकारियों ने हम लोग बात करते हैं वो व्यक्तिगत बातचीत में मानते हैं कि हाँ ये दवाएं जो है नहीं गलत है इन्हें बंद होना चाहिए लेकिन सामूहिक रूप से उनका वो फैसला करने से डरते हैं। कारण क्या है? ज्यादातर दवा बनाने वाली जो कंपनियां है वो इतनी ताकतवर है कि सरकार के नेताओं को अपने उनकी जेब में बैठ सकते। आपको अंदाजा है एक बहुत बड़ी कंपनी है फाइजर, एक बहुत बड़ी कंपनी है जॉनसन एंड जॉनसन, एक बहुत बड़ी कंपनी है प्रॉक्टर एंड गैंबल, एक बहुत बड़ी कंपनी है लैंसेट कोलगेट, एक बहुत बड़ी कंपनी है पार्क रेमेडी, एक बहुत बड़ी कंपनी है जर्मन रेमेडी। ऐसी 20 कंपनियों का मैंने एक स्टडी किया तो पता चला कि इन 20 कंपनियों की ताकत भारत सरकार से ज्यादा। इन कंपनियों का टोटल प्रोडक्शन माने कुल उत्पादन, इनका टोटल टर्नओवर, इनका कुल व्यापार और व्यापार से होने वाला इनका मुनाफा भारत सरकार से ज्यादा। तो भारत सरकार तो इनके सामने कहीं भी है और ये कंपनियां भारत सरकार को चलाती है ना कि भारत सरकार इन कंपनियों को। ये कंपनियां जब चाहे मंत्री बदल पाते, इन कंपनियों के हित के खिलाफ अगर कोई भी मंत्री काम करे, अधिकारी काम करे, इन कंपनियों की ताकत ऐसी है कि वो मंत्री को बदल पाते अधिकारी को। आप बोलेंगे आखिर इन कंपनियों की ताकत आती कहाँ से है? इन कंपनियों की ताकत आपकी जेब में से आती है। ये कंपनियों के बारे में मैंने जब केस स्टडी किया तो पता चला कि जो दवाएं इन कंपनियों के कारखाने में 1 रुपए की बनती है वो दवाएं आपको 200-200 रुपए में बेची जाती है। जो दवाएं इन कंपनियों के कारखाने में 50 पैसे की बन जाती है वो दवा 100 रुपए की आपको ही बेची। इन कंपनियों में से कई कंपनियां 3-4 रुपए का जो इंजेक्शन बना लेती है वो इंजेक्शन 10,000 का इनका पैसा। इन कंपनियों के मुनाफे 20,000% के आसपास है एक एक दवा के पर 20,000% के प्रॉफिट। अब जो कंपनियां भारत में आकर 20,000% के मुनाफे कमाएंगी उनकी ताकत को सरकार से ही ज्यादा रहने वाली है और ये सरकार को सुनती नहीं है। सरकारें इनको अनुमय विनय कर करके थक जाती है, चुप हो जाती है। ये कंपनियां वही करती है जो इनकी मर्जी में होती है। इसलिए अब इन कंपनियों को टक्कर देना सरकार के बस में नहीं रह गया है। मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। हमारे भारत में ये दवा बनाने वाली कंपनियों के विभाग के मंत्री थे श्री रामलीला प्रसाद। उन्होंने भारत के बहुत सारे लोगों की शिकायत पर एक कंपनी के खिलाफ कार्यवाही शुरू की थी और शिकायत ये थी कि जो कंपनी कैंसर की दवाएं बना रही है इस देश में वो दवाएं आज से 20 साल पहले तक 10-15 हजार रुपए में मिल जाती थी, आज उन दवाओं की कीमत 1.5 से 2 लाख रुपए हो गई है।
फॉर्मुला की कीमत बढ़ गई कंपनियों ने केंद्र से दबावों की, तो ये शिकायत उठ गई भारत के मंत्री श्री रामविलास पासवान से। ये औषधि का जो मंत्रालय होता है ये रसायन विभाग में आता है, और जो मंत्री उर्वरक रसायन विभाग देखता है, फर्टिलाइजर वाला डिपार्टमेंट, वो इसको भी देखता है। रामविलास पासवान के पास से शिकायत गई, मैं भी उनमें से एक था जिसने शिकायत की। तो मंत्री का ये बुरा हाल था कि कंपनियों को उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप अपनी कैंसर की दवाएं जो 1-2 लाख रुपए तक आपने महंगी कर रखी है, इनका भाव थोड़ा कम कर दीजिए। माने मंत्री ऐसे विनय देकर रहा था जैसे कि कोई ऑफिस का चपरासी अपने अधिकारी को कहता है। लेकिन कंपनियों ने दो रूप कहा कि दवाओं की कीमत क्या होगी ये हम तय करेंगे, सरकार तय नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि भारत में ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन हो गया है, अब कंपनियों का कंट्रोल है बाजार पर, सरकार का नहीं। तो मंत्री की शिकायत, मंत्री की विनय, मंत्री का रिक्वेस्ट कंपनियों ने पूरे के टोकरे में भेज दिया, और पूरे समय मंत्री रहते हुए श्री रामविलास पासवान ने कंपनियों का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अंत में वो मंत्रालय छोड़कर चले गए, कंपनियां अपनी जगह पर काम कर रही हैं। ऐसी बेशर्मी और इतनी निर्लज्जता है, इसलिए इन कंपनियों को सबक सिखाना सरकार के बस में भी अब नहीं रह गया। अब सरकार इनसे निर्देशित होती है, इनके नियंत्रण में है, तो अब आप ही भारतवासी कुछ कर सकते हैं। और आप अगर कुछ कर सकते हैं तो सबसे बड़ा काम कि इनका बहिष्कार कर दीजिए, इनकी ताकत खत्म हो जाए। महात्मा गांधी एक बहुत बड़ी बात कहकर गए हम सब। महात्मा गांधी कहते थे कि अत्याचार कितना भी बड़ा कोई करे और गुलामी कितनी भी ज्यादा कोई लादने की कोशिश करे, अगर सामने वाला व्यक्ति बहिष्कार कर देता है, असहयोग कर देता है, तो सारी गुलामी और अत्याचार मिनट में ध्वस्त हो। तो इन बड़ी बड़ी कंपनियों का अगर हम बहिष्कार कर दें, इनका असहयोग करना शुरू कर दें, महात्मा गांधी के उसी सूत्र को अपने जीवन में धारण कर लें जिस सूत्र को उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का हथियार बनाया था। महात्मा गांधी के दो ही हथियार थे, बहिष्कार असहयोग, और इन दो हथियारों से उन्होंने पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों के साम्राज्य को हराया था। इन्हीं बहिष्कार और असहयोग के हथियारों का उपयोग आप अगर अपने जीवन में करने लगे तो आप इन बड़ी बड़ी कंपनियों के साम्राज्य को ध्वस्त कर सकते हैं, और देश का हर साल 7 लाख करोड़ रुपए में चला। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि अगर ये प्रॉक्टर एंड गैम्बल, रेकमेंड कोई नेम जॉनसन एंड जॉनसन जैसी बड़ी कंपनियों का हम बहिष्कार करें, सहयोग करें, तो इसका रास्ता क्या है? रास्ता बिल्कुल सीधा है, इन कंपनियों में दवाई खाना बंद कर दें। आप बोलोगे जी हम क्या करें, वो डॉक्टर्स हैं जो इन कंपनियों की दवाओं का प्रिस्क्रिप्शन हमें लिखकर देते हैं, तो आपको प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो मत करो। डॉक्टर से कहो कि हमें ऐसी बड़ी कंपनियों की दवाएं ना लिखने दें, और फिर आपके पास उसका विकल्प है, बहुत अच्छा, बहुत स्वस्थ और बहुत सुरक्षित विकल्प आपके पास है। अगर आप इन कंपनियों की सब दवाओं का भी बहिष्कार कर दें तो भी आपके भारत में बहुत अच्छा विकल्प है जो भगवान ने आपको दे रखा है, परमपिता परमात्मा ने दे रखा है। आयुर्वेद की सबसी सबसी दवाओं का उपयोग करें जो बहुत प्रभावी है, और पूरे जीवन भर आपको गंभीर बीमारियों से बाहर निकाला जा सके। हमारे भारत देश पर ईश्वर की बहुत कृपा है, ये जब हम भारत के बाहर जाते हैं तब पता चलता है। इस भारत देश को भगवान ने हजारों हजारों आयुर्वेद की दवाएं मुफ्त में उपलब्ध कराई है, निःशुल्क उपलब्ध कराई है, इनका उपयोग आप अपने जीवन में करो। और जो आयुर्वेद की दवाएं ईश्वर ने आपको उपलब्ध कराई है, उन सब दवाओं के शरीर पर दुष्परिणाम भी नहीं होते, शरीर को उनका नुकसान भी नहीं होता, और दवाएं काम भी करती। एक तो दवाओं का शरीर पर दुष्परिणाम नहीं, नुकसान नहीं, और दवाएं इतनी गहराई से काम करती है
कि आपकी बीमारी को जड़ से खत्म कर सके। आयुर्वेद की ज्यादातर दवाएं किसी भी बीमारी को जड़ से निकाल आसानी से उपलब्ध है। और सबसे अच्छी बात है कि आयुर्वेद की दवाओं को आसानी से आप अपने घर और आस पास में ही खोज पाएंगे, कोई दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पूछेंगे ऐसी कौन सी दवाएं हैं जो हम आस पास ही खोज पाएंगे। आप अगर अपने घर पर थोड़ी सी नजर डालें तो आपके घर में ही कई दवाएं हैं, जैसे दालचीनी है, जैसे मेथी का दाना है, जैसे तेज पत्ता है, जैसे काली मिर्च है, जैसे अदरक है, जैसे हल्दी है, जैसे काला नमक है, जैसे सेंधा नमक है, जैसे धनिया पत्ता है, जैसे पुदीना पत्ता है, जैसे तुलसी पत्ता है, जैसे कड़ी पत्ता है। आपके घर में ध्यान दें तो 100 से ज्यादा दवाएं तो आसानी से हर जगह। अब दुर्भाग्य हमारा आसन यह है कि आयुर्वेद को जिनको दवाइयां और औषधियां कहा गया है उनको आप मसाला कहकर उनकी इज्जत कम कर देते हैं। आप हल्दी को मसाला कहते हैं जबकि हल्दी मसाला नहीं है, औषधि है। आप तेज पत्ता को मसाला कहते हैं, तेज पत्ता मसाला नहीं है, औषधि है। आप काली मिर्च को मसाला जो देते हैं वो मसाला नहीं है, औषधि है। मसाला और औषधि में जमीन आसमान का अर्थ है। मसाले का अर्थ होता है जीभ का स्वाद बढ़ाने वाला पदार्थ, और औषधि का अर्थ होता है बीमारी को जड़ से मिटाने वाली चीज। तो ये हल्दी औषधि है, मसाला नहीं। मसाला लोकर इसकी बेइज्जती मत करिए। तेज पत्ता मसाला नहीं है, औषधि है। दालचीनी मसाला नहीं है, औषधि है। अदरक मसाला नहीं है, औषधि है। सौंठ मसाला नहीं है, औषधि है। ऐसी अपने घर में कौन से ज्यादा दवाएं हैं जो आसानी से उपलब्ध है और इनसे आप बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। आप मिलेंगे पता नहीं हमको क्या बीमारियां ठीक हो जाएगी। आयुर्वेद में हजारों साल से घर की औषधियां, रसोई घर की औषधियां सबसे महत्वपूर्ण मानी है। अगर आप ध्यान से चरक संहिता पढ़ेंगे तो आपको इनका महत्व तो पता चल जाएगा। महर्षि चरक ने इतना विस्तार से वर्णन किया है हमारे घर में उपलब्ध आयुर्वेदिक औषधियों का कि उनके चमत्कारिक प्रयोगों का सब पता चलना है जब हम उनका उपयोग करें। आपको भी करके देखेंगे। आप अंग्रेजी एलोपैथी दवा खा खा के फिर शरीर को खराब कर रहे हैं, उससे अच्छा है कि आप इन आयुर्वेदिक औषधियों का उपयोग करें। आप ये पूछ सकते हैं कि हमको तो पता नहीं है, तो मैं आपको आज जरूर ऐसी कुछ दवाई बताऊंगा जो अपने घर में ही है, जिनका उपयोग करके आप अपनी कई गंभीर बीमारियां ठीक कर सकते हैं। और आयुर्वेद में हजारों सालों से उनका प्रयोग किया गया है और वो सारी दवाएं टाइम टेस्टेड है। टाइम टेस्टेड माने समय की परीक्षा पर खड़ी होती है ऐसी दवा। अगर आपके पास कागज पेन है तो जरूर देखिए। मैं आपको अगर कुछ ऐसी आयुर्वेदिक औषधियों की बात करूंगा जो घर में ही आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी और बड़ी से बड़ी बीमारियों को आप उससे ठीक कर सकते हैं। हमारे घर में क्या क्या दवाएं हैं, मैं शुरुआत करता हूँ हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन, इन दोनों बीमारियों की दवाएं अपने घर में और बहुत अच्छी दवाएं है। और हमने खुद इनका 10 साल उपयोग करके देखा है, बहुत अच्छे परिणाम है। आयुर्वेद के वैद्यों ने तो सैकड़ों हजारों साल उनका प्रयोग करके देखा है, बहुत अच्छे परिणाम है उन दवाओं। हजारों साल से जिन दवाओं के अच्छे परिणाम है उनमें से एक दवा है दालचीनी। ये हाई ब्लड प्रेशर की सबसे अच्छी दवा मानी जाती है। आपके घर में जो दालचीनी है इसको आप पत्थर से चीप लीजिए, इसका पाउडर बन जाएगा। दालचीनी को पहले धूप में सुखा लीजिए अच्छे से, सूखने के बाद इसको पत्थर से चीपेंगे तो आसानी से इसका पाउडर बन जाएगा।
आधा किलो राजस्थान पाउडर और आधा किलो शक्कर। चम्मच अगर बड़ी है तो आधा चम्मच राजस्थान पाउडर आधा चम्मच शक्कर, और चम्मच अगर छोटी है तो एक चम्मच राजस्थान पाउडर और एक चम्मच शक्कर। दोनों को तो पत्ते में मिलाइए, इसको फिर चाट कर गर्म पानी के साथ कदे खा लीजिए, और ढाई तीन महीने लगातार अगर आपने इसका उपयोग किया दालचीनी और शहद का, तो हाई ब्लड प्रेशर अर्थात हाइपर टेंशन अर्थात उच्च रक्त दबाव आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इतनी बढ़ जाता था न शरीर पर इसका साइड इफेक्ट है कोई, और न इसको इस्तेमाल करने में कोई खर्चा है। तीन महीने अगर एक एक चम्मच दालचीनी पाउडर खाते हैं ना, तो मुश्किल से 50 रुपए आपका खर्च होगा, और 50 रुपए की दवा में आप ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर बीमारी से बिल्कुल बाहर निकल रहे हैं। और एक दवा अपने घर में है हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करने की, उसका नाम है मेथी का दाना। मेथी दाने को आधा चम्मच एक गिलास गर्म पानी में रात को डाल देना, रात को इसको पानी में पड़ा रहने दीजिए। रात को ये मेथी दाना पानी में सूख जाएगा, फिर इस मेथी दाने को सवेरे चबा कर खाइए, और पीछे से वही पानी पी लीजिए जिसमें आपने मेथी दाना डाला था। तो ढाई तीन महीने अगर आपने मेथी दाने का उपयोग किया तो ये भी आपके हाई ब्लड प्रेशर को बिल्कुल ठीक करेगा। और एक तीसरी दवा है अपने घर में बहुत अच्छी दवा, अर्जुन की छाल। अर्जुन की पेड़ की जो छाल उतरती है उसको धूप में सुखाकर पत्थर पे पीस के पाउडर बना लीजिए, और आधा चम्मच अर्जुन छाल का पाउडर एक कप पानी में खूब गर्म कर लीजिए, फिर इस एक कप पानी को चाय की तरह से पी लीजिए, और ढाई तीन महीने में हाई ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ये अर्जुन की छाल जो है ना हाई ब्लड प्रेशर को तो ठीक करता ही है, ये आपके हृदय में अगर किसी धमनी में रुकावट आ गई, आर्टरी से ब्लॉकेज आ गया, उसको भी बिल्कुल मिटा देगा। इतनी अच्छी दवा है। आयुर्वेद में कहा गया है जिनका दिल कमजोर है उनके दिल को ताकत देने वाली इतनी अच्छी कोई दवा नहीं, अर्जुन की छाल बहुत बढ़िया दवा है। इसका उपयोग हाई बीपी ठीक होगा, दिल की ताकत बढ़ाती है, एक तरह से ये हर्ट का टॉनिक मानी जाती है अर्जुन की छाल। और एक अच्छी दवा आपके घर में है हाई बीपी ठीक करने के लिए, कद्दू का रस पीजिए। वो लंबे वाला जो कद्दू आता है हरे रंग का, उसके छोटे टुकड़े काट लीजिए, पत्थर पे पीस कर उसको कपड़े में निचोड़ लीजिए, उसका रस निकल आएगा। एक कप कद्दू का रस रोज सवेरे खाली पेट कोई भी पिएगा तो ढाई तीन महीने हाई ब्लड प्रेशर। और इस कद्दू के रस में थोड़ा धनिया पत्ता, थोड़ा पुदीना पत्ता, थोड़ा तुलसी पत्ता पीस के डाल दीजिए। 8-10 पत्ता धनिया, 8-10 पत्ता पुदीना, 8-10 पत्ता तुलसी और 2-3 काली मिर्च, ये सब पीस कर एक कप कद्दू के रस में डालिए, और ये डालने के बाद उसकी फेंक दीजिए। तो ये जो कद्दू का रस बन गया धनिया पुदीना तुलसी पत्ते को मिलाकर काली मिर्च को, अब ये आपके हृदय की एक एक नली को खोलता है, एक एक नली, आर्टरी हो चाहे वेन हो, दोनों को एक एक को खोलता है। आप जानते हैं कई बार हमारी आर्टरी सिकुड़ जाती है, कई बार हमारी धमनियों में सिकुड़न आ जाती है, उम्र के साथ कई बार आती है, कई बार कोलेस्ट्रॉल बढ़ने, ये जो आपने कद्दू का रस पीना शुरू किया ये सब कुछ खोल देगा। और हमने तो पिछले 10 साल में देखा इसके ऐसे चमत्कारी परिणाम है कि 99% ब्लॉकेज वाले मरीजों को हमने जब ये पिलाया कद्दू का रस नियमित रूप से, तो उनके सारे ब्लॉकेज खुल गए, किसी को भी एंजियोप्लास्टी करने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी का बाईपास होने की आवश्यकता नहीं, लाखों रुपए आप अपना बचा पाए, बहुत बढ़िया है। और ये कद्दू भगवान ने भारत के सभी राज्यों में दे रखा है, हर राज्य के हर जिले में इसकी खेती होती है, भरपूर उत्पादन। और एक अच्छी दवा बताता हूँ आपको हाई ब्लड प्रेशर के लिए,
हमारे भारत में शंकर भगवान को एक पत्ते चढ़ाते हैं हम, जिसको बेलपत्र के पत्ते कहते हैं। ये जो आप शंकर भगवान को चढ़ाते हैं, ये पत्ते हाई स्पीड की 10 किलोमीटर सबसे अच्छे आयुर्वेद। क्या करना है, बेलपत्र के 5 पत्ते को और पत्थर में इसको पीस कर इसका जो चटनी बन गया उसको एक गिलास पानी में इतना गर्म करिए कि पानी आधा हो जाए। फिर इस पानी को जब पीने लायक हो जाए, ठंडा हो जाए, तब इसको सवेरे खाली पेट पी लीजिए। तो जिनका 20-30 साल पुराना ब्लड प्रेशर है हाई, वो 2-3 महीने में ही हमेशा के लिए पी सकते, इतनी बढ़िया दवा है। और इस दवा को इस्तेमाल करने का खर्चा बिल्कुल शून्य है, क्योंकि बेलपत्र के पत्ते हर गाँव में निःशुल्क उपलब्ध है और भगवान ने ये पेड़ बहुत अधिक मात्रा में हमको दे रहे हैं। तो बेलपत्र के पत्तों से आप अपना पेट कर सकते हैं, अंगूर की छाल से भी कर सकते हैं, दालचीनी से भी ठीक हो जाएगा आपका, मेथी से दालचीनी भी ठीक हो जाएगा, कद्दू से रस से भी ठीक हो जाएगा। और एक अच्छी दवा बताता हूँ आपको, अनार का रस नियमित रूप से पीते रहिए, आपका पेट ठीक कर देगा, आपकी धमनियों की रुकावट को खोल देगा अनार का रस, बहुत अच्छी दवा। और एक सबसे अच्छी दवा बताता हूँ, देसी गाय का ताजा मूत्र पीजिए आपका, तो ये हाई ब्लड प्रेशर को बिल्कुल ठीक कर देगा। देसी गाय उसका ताजा मूत्र आत्म कर, कोई भी सुबह खाली पेट पिएगा 2-3 महीने में हाई ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ये दवा टैक्स फ्री है, कॉस्ट फ्री है, साइड इफेक्ट कुछ नहीं है, एक्सपायरी डेट कुछ नहीं है, गाँव गाँव का संबंध तो हमने इस पर सालों साल परीक्षण किया है और हर दिन के परीक्षण के रिकॉर्ड हमने रखे हैं समाज पर। इतने अच्छे परिणाम तो गोमूत्र से आते हैं, बहुत कम दवाई में अच्छे परिणाम देते हैं। बस इतने सावधानी इतनी ही रखनी है कि जिस गाय का मूत्र पी रहे हैं वो गाय गर्भवती नहीं होनी चाहिए, अगर वो गर्भावस्था में है तो उसका मूत्र पीने लायक नहीं होता। इसका माने जो गाछी है, बीमारी गाय है, उसका मूत्र हर समय आप पी सकते हैं, हर दिन पी सकते हैं आप। हाइपरटेंशन बहुत जल्दी ठीक हो, तो आपके घर में इतनी दवाई मैंने बताया खाने की। अब कुछ लोग बीपी की दवाएं, आयुर्वेद में लो ब्लड प्रेशर की सबसे अच्छी दवा माना जाता है गुड़, देसी गुड़ खाइए पानी में मिला या गुड़ का पानी पीजिए, 1 गिलास पानी में गुड़ मिलाइए, फिर उसमें नमक डालिए और फिर नींबू रस मिला कर पीजिए। तो नमक नींबू और गुड़ मिलाकर पानी को रोज सुबह शाम पीते रहे, ये लो ब्लड प्रेशर को बहुत जल्दी ठीक करेगा। लो ब्लड प्रेशर की और एक दवा है हमारे घर में, मुनक्का और किशमिश खाइए। मुनक्के 5-6, किशमिश 10-15 रात को पानी में भिगो दीजिए और सवेरे इनको चबा कर खाइए और पीजिए, तो वही पानी को लीजिए जिसमें आपने इनको भिगो जाना, ये भी लो ब्लड प्रेशर की बहुत अच्छी। और एक दवा है लो ब्लड प्रेशर की, खूब स्ट्रॉन्ग कॉफी पीजिए, कड़क कॉफी बना के पीजिए, लो ब्लड प्रेशर बहुत आराम से ठीक कर सकते। कड़क चाय पीजिए, ये भी लो ब्लड को ठीक कर सकते। चीनी मत डालिए, ना कॉफी में चीनी डालिए ना चाय में चीनी डालिए, डाल सकते तो गुड़ डाल के पीजिए, तो गुड़ की चाय और गुड़ की कॉफी लो ब्लड की बहुत अच्छे से ठीक। और कई दवाएं हैं अपने घर में, जैसे अनार का रस है, मौसमी का रस है, संतरे का रस है, इन सबको नमक डाल के पीते रहिए, वो भी इससे ठीक होता है। मलाई वाला दूध पीजिए, लो बीपी में बहुत बड़ा मदद करता है। मलाई वाला दही खाइए, लो बीपी में बहुत मदद करता है। और मेरी माने तो सबसे अच्छी आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है लो बीपी के लिए, मक्खन और मिश्री खाने को कहा। ये दूध को दही बनाकर जो मक्खन निकाला जाता है, ये ताजा मक्खन मिश्री के साथ खाते रहिए, सबसे जल्दी लो बीपी इसी से ठीक होगा।
भगवान श्री कृष्ण की खुराक हम खाते, श्री कृष्ण भगवान के रूप मक्खन और मिश्री खाते, आप भी मक्खन मिश्री सबसे जल्दी हजम होने वाला कॉम्बिनेशन है, सबसे जल्दी पाचन होता है उसका शरीर। बस ध्यान यही रहे कि मक्खन ताजा हो तो आपके द्वारा निकाला जाए। एक मक्खन बाजार में भी आता है वो उसमें काम का नहीं है, जो आप अपने घर में निकालने के लिए दूध का दही बनाते हैं, दही से मक्खन निकालने के लिए तो लोग बीच में भी आना था खोलना चीज कर सकते हैं। अब एक और तीसरी खराब बीमारी बताता हूँ, डायबिटीज। डायबिटीज की अपने घर में बहुत अच्छी दवा खुद बनी है। कैसे बनेगी ये दवा? 100 ग्राम मेथी दाने को पत्थर में पीस उसका पाउडर बन जाए, 100 ग्राम तेज पत्ता उसको पत्थर को पीसिए उसका भी पाउडर बन जाए, 150 ग्राम जामुन की कुशी उसको धूप में सुखाकर उसको पत्थर को पीसिए उसका भी पाउडर बन जाए। और एक आयुर्वेद की दवा मिलती है किसी भी दुकान पर, बच्चों की पत्रकारी की किराने की दुकान पर, का नाम है गुड़ मार। आप यही नाम से ले सकते हैं, गुड़ मार, गुड़ मार, तो 250 ग्राम गुड़ मार ले लीजिए, उसको पत्थर के पीस के पाउडर बनाइए, 150 ग्राम जामुन की मिट्टी ले लीजिए उसको पीस कर पत्थर के पाउडर बना लीजिए, 100 ग्राम मिट्टी दाना पीस लीजिए वो पाउडर बन गया, और 100 ग्राम तेज पत्ता, ये चारों को एक कांच की शीशी में मिलाकर रख दीजिए, यही दवा लगाइए। इसका एक चम्मच सुबह शाम गर्म पानी के साथ लेना है, खाना खाने से एक घंटे पहले, तो आपकी शुगर को 3 महीने में ये बिल्कुल ठीक कर जाएगी।